इंडस्ट्री में एक ऐसा नाम जिसे हर कोई जानता है। लिकर पॉलिसी जो आई है और इस लिकर पॉलिसी के तहत कुछ लोगों को जो टेंडर दिया है, इसमें बहुत सारे मल्टी करोड़ रुपए का स्कैम है, भ्रष्टाचार है, जिसकी कंप्लेंट हमने दी है। कंप्लेंट में हमने पूरी तरह से सिद्ध किया है कि अरविंद केजरीवाल ने नई एक पॉलिसी बना करके कुछ लोगों को फायदा पहुंचाया है। पॉलिसी के जो नियम थे उनको दरकिनारा करके एक कंपनी विशेष ग्रुप ओएसएस ग्रुप, खासतौर से मैं नाम लेना चाहता हूँ, ओएसएस ग्रुप को जो फायदा पहुंचाया गया है, उसकी जो सेल कंपनी कह लीजिए, सिस्टर कंसर्न कंपनी कह लीजिए, उनको जिस तरह से जोन बांटे गए हैं उसको हमने प्रूव किया है कि गलत तरीके से दिया गया है। पंजाब इलेक्शन में जो पैसे का लेन देन की बात डॉक्टर कुमार विश्वास कर रहे हैं, उनके एमएलए पर आरोप लगा रहे हैं, तो हम ये पूरी तरह से साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि इस पॉलिसी को बदलने का सिर्फ एक ही मकसद था कि शराब माफियाओं को दिल्ली को बेच देना। और शराब माफियाओं को जो बेचा गया उसके बदले में जो खुद के हित के लिए करोड़ों रुपए की जो रिश्वत ली गई है उसका जो प्रयोग है पंजाब चुनाव में किया गया है। और पंजाब चुनाव का कनेक्शन हमने सिद्ध किया है, दीप मल्होत्रा नाम का जो पूर्व अकाली दल का विधायक रहा है, एक शराब माफिया जो पंजाब में शराब का बिजनेस करता है, उसको दिल्ली में लाया गया, काम दिया गया और उस काम के बदले जो लाभ उन्होंने लिया है उसका फायदा चुनाव में किया गया, तो उसके खिलाफ हम गए हैं। अरविंद केजरीवाल, दीप मल्होत्रा और जो उनकी पेंशन कंपनियां हैं, नोवा गारमेंट्स है, दूसरी कंपनी मैं बताना चाहता हूं आपको ओरिजिन ग्रुप है, ये ग्रुप नोवा ओरिजिन एक ही कंपनी की नीचे सिस्टर कंपनी है। तो हमने जो कानून को ताक पे रख करके अरविंद ने काम दिया है, हमने उसके खिलाफ कंप्लेंट दी है, भ्रष्टाचार के खिलाफ कंप्लेंट दी है। रविंद्र यादव साहब जो क्राइम देखते हैं, अस्थाना जी के बिहाफ पे उन्होंने हमसे लगभग आधा घंटे बात की और उन्होंने कुछ चीजों को माना है कि इस पे शायद जांच की आवश्यकता है और वो जांच कराएंगे। मीडिया इंडस्ट्री में एक ऐसा नाम जिसे हर कोई जानता है।